नमस्कार मित्रों, डॉक्टर तारिका टीम अलाइव। आज हम अर्गोनॉमिक्स क्या है और उसका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अर्गोनॉमिक्स क्या होता है? अर्गोनॉमिक्स एक ग्रीक ओरिजिन से ओरिजिन हुआ है। अर्गो मीन्स वर्क और नॉम्स मीन्स वर्क रिलेटेड स्टडी। जिस जगह पे हम काम करते हैं उस जगह की स्टडी करना और उसके वर्क इन्वॉल्वमेंट की तरीके से सेट करना एज पर इंडिविजुअल, उसे हम अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो जिस जगह पे हम काम करते हैं वो जगह हमारे लिए कंफर्टेबल या एडजस्टेबल होनी चाहिए ताकि हम लोगों पे कोई स्ट्रेस ना आए, आइदर फिजिकली और मेंटली। तो हमारा जो वर्क है, जो उसकी एक्टिविटी बढ़ती रहेगी और जो हमारे वर्क की प्रोडक्टिविटी लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो हमारा जो वर्क प्लेस है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, ये पॉजिटिव मैनर से लेना चाहिए। तो ऑक्यूपेशनल इंजरी और अर्गोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है? तो बेसिकली देखें तो जिस जगह पे हम काम करते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले, कोई कॉरपोरेट लेवल पे कोई ऑफिस है जहाँ पे लोग कंप्यूटर ओरिएंटेड वर्क करते हैं और लंबे घंटों तक एक ही पोजीशन में काम करते रहते हैं, या घर पे भी कई सारे जो लोग रहते हैं वो मोस्टली एक ही पोजीशन में काम करते रहते हैं, तो हमारा जो पहले पोस्चर होता है, जैसे बोलते हैं कि पोस्चर हमारे सभी चीज़ों को करेक्ट करता है, तो समटाइम्स वर्क ज़्यादा होने की वजह से ये हमारा गुड पोस्चर बेड पोस्चर में इन्वॉल्व होता है, ये वर्क इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो स्टार्टिंग में जहाँ पे स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा उस जगह की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगी, और दूसरा देखे तो ये कोल्ड टेम्परेचर, उसकी वजह से जो हमारा सेंसिटिविटी लेवल है वो कम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमें जो इंजरी होता है वो टेम्प्ररी होती है, उसका हमें इतना पता नहीं चलता है और वर्क इन्वॉल्वमेंट की वजह से उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो वो धीरे धीरे ऑक्यूपेशनल इंजरी में कन्वर्ट होने लग जाती है। तो ये ऑक्यूपेशनल इंजरी में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? पोस्चर के बारे में और अर्गोनॉमिक्स के बारे में देखें तो आजकल फिजियोथेरेपी एक इनोवेटिव ट्रीटमेंट है, प्रिवेंटिव क्योर है। जैसे कि हमारा जो वर्क इन्वॉल्वमेंट है उसको अच्छी तरीके से सेट करना और हमारे पोस्चर को चेंज करने में फिजियोथेरेपी का बहुत सारा रोल है। जैसे कि आज का हमारा जनरेशन है, यूथ है, यंग टू मिडिल एज ग्रुप, जो लंबे घंटे तक एक ही पोस्चर में रहते हैं, उसमें देखे तो बैक पेन है, नेक पेन है, शोल्डर पेन है, नी पेन है, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। स्टिफनेस, स्वेलिंग, पेन, ये कंप्लेन तो रोज की है। जैसे कि ये बोलते हैं ना फटिक लेवल, जो ज़्यादा थोड़ा सा काम करने वो टायर्ड हो जाते हैं, ये स्ट्रेस लेवल है उसकी वजह से ही हमें देखने को मिलता है। तो जो हमारा जो वर्क प्लेस है उसको चेंज करने में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, और ये हेल्प करके हमें इसे प्रिवेंटिव और क्योर कर सकते हैं। तो जैसे कि लोग लंबे घंटों तक काम करते हैं तो उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? तो जैसे कि अर्गोनॉमिक्स के बारे में देखें तो जो हमारा वर्क प्लेस है उसको एडजस्टेबल करने के लिए थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा वर्क प्लेस है उसको हाइट के अकॉर्डिंग सेट करना, और हमारा कंप्यूटर और लैपटॉप है उसको आई के लेवल तक होना चाहिए। जैसे कि हम सिटिंग पोस्चर में ज़्यादातर बैठे रहते हैं तो हमारा आर्म रेस्ट है वो प्रॉपर होना चाहिए, जैसे कि हमारा फुट रेस्ट भी प्रॉपर होना चाहिए, या हम लंबे घंटों तक खड़े रहते हैं तो एक छोटा सा स्टूल यूज़ कर सकते हैं ताकि इस मैनर से वर्क करें तो ये स्ट्रेस लेवल हम कम कर सकते हैं, और बहुत इजी टू डू थिंग्स। जैसे कि जैसे हमें लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम है तो छोटा सा कुशन हम हमारी चेयर में पीछे रख सकते हैं ताकि लंबर जो पार्ट है हमारा सपोर्ट हो जाए, या हम छोटी सी स्ट्रेचिंग या लाइट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि दोनों हाथ को ऊपर ले जाके स्ट्रेच करना तो हमारे जो अपर बैक के मसल है वो रिलैक्स हो जाएंगे, या हमारी चेयर में ही हम जैसे कि राइट और लेफ्ट टर्न करना, मिडल और लोअर जो बैक के मसल है वो रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे हम लंबे घंटों तक बैठे रहते हैं
तो अपने वर्क प्लेस में थोड़ा सा ब्रेक लेके टहलना चाहिए, तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है इस तरीके से हम कम कर सकते हैं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाओगे तो आप अपनी जो पोस्चर है वो करेक्ट कर पाओगे और लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। तो ज़्यादा माहिती के लिए ये टोल फ्री नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू।